कल मेरे दोस्त ने अच्छी खासी जॉब छोड़ दी। मैंने पूछा, क्यों भाई, यहाँ लोगों को जॉब छोड़ रही है, तुम जॉब कोई छोड़ा है? तो बोलता है, यार आत्मनिर्भर होना है, अब मैं स्टैंड अप कॉमेडियन बनूंगा। सुनकर हंसी तो नहीं आई, पर बिजली की तरह दिमाग में एक ख्याल कौंध गया कि यार ऐसे आत्मनिर्भर बनने के चक्कर में जाने कितने अपने दोस्त, कमाने वाले, किराना वाले, पान बीड़ी वाले, घर वाले, चाय वाले, दूध वाले पे निर्भर हैं। पर फिर भी मैंने पूछा कि भाई कैसे होगा ये सब? तो बोला, बस एक माइक और पेड ऑडियंस का जुगाड़ कर लूं और अपना काम चालू। अब मेरा क्यूरियोसिटी का कबूतर फड़फड़ाने लगा। मैंने पूछा कि भाई जोक्स का क्या, स्क्रिप्ट का क्या? तो जनाब बोलते हैं कि भाई ये सोशल जोक का जमाना है, इसमें हमारी हंसी जोक पे नहीं पेड ऑडियंस पे डिपेंड करती है। भैया हंसने वालों का ऑडिशन होता है, कॉमेडियन का हो या ना हो, बस उसकी पहचान होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं हूं आशीष और फिल्मी डिजाइनर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। केनी सेबेस्टियन एक कॉमेडियन, म्यूजिशियन और फिल्म मेकर भी हैं, और उनका शो अभी अभी जो नेटफ्लिक्स पर आया है, द मोस्ट इंटरेस्टिंग पर्सन इन द रूम, ये एक स्टैंड अप कॉमेडी का 1 आवर का डोज है। और अगर आप नेटफ्लिक्स को प्रीमियम पे करते हैं तो डेफिनेटली आपको तो हंसी आएगी ही। और वो गाना तो आपने सुना ही होगा कि हंसते हंसते रोना सीखो, रोते रोते हंसना। आजकल स्टैंड अप कॉमेडी ये नया क्रैश कोर्स भी करा रहा है, मेरे को लगता है। इस शो में उन्होंने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, उनका बचपन, केंद्रीय विद्यालय, आर्ट टीचर और उनका बुजुर्ग अस्थमा वाला बेहद दुखी और नो बोलने वाला हारमोनियम और यंग गिटार की नोक झोंक। इसी के साथ थोड़ा गाना बजाना। मॉडर्न टॉल हाई हील शूज एंड बेचारी चप्पल का सामाजिक और व्यवहारिक आकलन। ये कैसा नाम है चप्पल? अच्छा तो है अंकल, साले चप्पल से मारूंगा। अंकल किसको बोला? कबूतर, कौवा, ऑस्ट्रिच विद अ पासपोर्ट एंड एक्सपेक्टेशन, फोटोजेनिक चीता, वाह। फिर थोड़ा गाना बजाना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बट लंबे लड़के की शॉर्टेस्ट गर्लफ्रेंड एंड हर आर्गुमेंट, कटल रजाई शर्मा और पार, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। इसी के साथ थोड़ा और गाना बजा। और साथ ही कैनी ने मुझे दो बहुत ही जरूरी बातें सिखा दी। एक, ह्यूमन नेचर ही होता है कि हम यूजलेस और माइंडलेस चीजों की तरफ खींचे चले जाते हैं। यार अब तुम लोग मन की बात पे भी हंसते हो यार, भाई ये सही नहीं है यार, आप मन की बात नहीं सुन सकते हो यार। दूसरा, आपकी खुशी का राज आपके अंदर छुपा हुआ है, सो अगर आपको मेरे जोक्स पे हंसी नहीं आ रही है ना, तो भाई नॉट माय प्रॉब्लम, आपको उस हंसी को अपने अंदर ढूंढना पड़ेगा। वैसे शो ओवरऑल ठीक ठाक है, कुछ जगह पर आपको हंसी आ भी जाएगी, पर प्लीज बहुत एक्सपेक्टेशन मत रखना। मैं इस शो को दूंगा 4.5 stars out of 10। एक मिनट, और सर जी ये लास्ट हंसी थी, अभी और हंसाना है ना, तो हमने आपको क्विक टॉपअप का मेनू व्हाट्सएप पे भेजा है, देख लेना जरा। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगा आपको फिल्मी डिजाइनर के नए एपिसोड में विद मोर ऑनेस्ट रिव्यूज एंड रिकमेंडेशंस। इस वीडियो में अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, आगे के सफर में साथ में बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साइनिंग आउट नाउ, सादर प्रणाम।